हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल स्वाति ब्लॉग्स में स्वागत है। दोस्तों, हम साफ़ सफाई तो कर लिए और ब्रश ब्रश करके हम लोग निकल रहे हैं टहलने के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर श्रेया भी है, तो हम लोग जा रहे हैं टहलने सुबह सुबह। सोचे अब चलते हैं टहल लेते हैं, काम तो हो गया मेरा साफ़ सफाई का, बस टहलने जाएंगे, आएंगे तो फिर खाना बनाएंगे। तो हम लोग गए थे टहलने, इधर टहल रहे हैं काफ़ी देर से, आधा घंटा करीब हम लोग टहले हुए हैं और काफ़ी गर्मी भी लग रहा है, उमस जैसा किया हुआ है सुबह सुबह, और अब धूप भी निकलने लगा। तो हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए और देख सकते हैं काफ़ी लोग टहल के, सब लोग घर जा रहे हैं। लोग टहल के तो आ गए और काफ़ी थक भी गए हैं क्योंकि काफ़ी दूर तक गए थे टहलने के लिए, और गर्मी भी इतना ज़्यादा है कि और ज़्यादा थोड़ा थका महसूस हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा देर हम लोग बैठते हैं चौकी पे। हम लोग टहल के आने के बाद यहाँ पे थोड़ा देर बैठ के आराम कर रहे थे, तब तक श्रेया को देख सकते हैं यहाँ पे पेंटिंग का काम कर रही हैं। पेंटिंग खिड़की में पेंट कर रही हैं, खिड़की का वो लोहे होते हैं उसमें अभी प्राइमर कर रही हैं, और ये हमारे रहे गार्ड अंकल, ये बहुत काम करते हैं। और आज हमारे गार्ड अंकल के लिए मेरे पास कुछ तोहफा भी है, उनको देना है, तो वीडियो में बने रहिएगा, देखने को आपको मिलेगा कि गार्ड अंकल के लिए क्या गिफ्ट है। और फिलहाल श्रेया को देखिए, अभी ऊपर में बिल्डिंग बन रहा है तो उसी के लिए आया है, ये सब दरवाज़ा खिड़की सब लगाने के लिए। देख सकते हैं वहाँ पर कुछ गार्ड अंकल करके रखे हुए हैं और यहाँ पर कुछ बचा हुआ है करने के लिए। तो गार्ड अंकल कर रहे थे तब तक श्रेया मांग के करने लगी, थोड़ा देर तक बाहर बैठ के आराम कर रहे थे। तो चलिए अब रूम में चलते हैं, वो भी सोए हुए हैं, चलिए उनको भी जगाते हैं। ओए जगी, जगी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, इधर देख के बोलिए गुड मॉर्निंग। उनको जगा रहे थे, वो तो अभी नहीं जग रहे, बोल रहे हैं 5-10 मिनट बाद जगेंगे। तो फिलहाल देख सकते हैं हम यहाँ पे ले लिए हैं नारियल पानी में जो मलाई निकलता है वो मलाई है, और यहाँ सेब है तो इसको हम खा लेते हैं। तो हम सेब और नारियल तो खा लिए और अब आ चुके हैं किचन, तो चलिए हम खाना बनाने का तैयारी करते हैं। ये देखिए हम भुंजिया भून रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम आटा गूंद के भी रख दिए हैं। तो हम बना ले रहे हैं भुंजिया और रोटी, और कल जो हम दही जमाए थे हमारा दही भी जम गया है, तो दही रोटी भुंजिया हम लोग खा लेंगे। हम अपना खाना तो बना लिए और दूध भी उबाल लिए, और देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा बर्तन है तो चलिए इसको हम धो लेते हैं। हम नहा के तो रेडी हो गए, तो चलिए हम चलते हैं और दोनों लोगों का खाना निकाल लेते हैं। ये देखिए उनके लिए निकाल लिए हैं दूध रोटी भुंजिया, और मेरे लिए दही रोटी भुंजिया है। हम लोग खाना खा के थोड़ा देर तक आराम कर रहे थे, अब 3 बज चुका है और हम लोग जा रहे हैं, मेरे आधार कार्ड पे फ़ोन नंबर चेंज करवाना है क्योंकि पापा का नंबर है, कोई भी OTP आ रहा तो पापा के पास चला जा रहा, तो मिल नहीं पा रहा, इस वजह से हम जा रहे हैं अपना फ़ोन नंबर उसमें रजिस्टर्ड कर देने। और इनको देखिए पानी ले रहे हैं, का इनको देखिए हम पानी ले लिए हैं, नहाए नहीं है अरे पागल चुप नहाए नहीं है आज बाल कटवाना है, बाल और दाढ़ी, तब अभी जाएंगे, क्या करना था अभी जाएंगे बाल दाढ़ी कटवा के आएंगे तब नहा लेंगे। यहाँ से जाना होगा हम लोग को महमूरगंज में, तो चलिए निकलते हैं यहाँ से, देखिए कितना टाइम लगता है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं जहाँ आधार कार्ड में नंबर चेंज कराया जा सकता है, देख सकते हैं यहीं पर होता है, देख सकते हैं यहाँ पे आधार सेवा केंद्र 2nd फ्लोर। चलिए चलते हैं, देखते हैं मेरा काम होता है कि नहीं। यहाँ पे हम प्रिंट आउट भी निकलवा लिए हैं जो हम कल बुक किए थे, 4 बजे का हम लोग का टाइम था। दोस्तों हम लोग अंदर चलते हैं, हम लोग आए थे यहाँ पे आधार कार्ड पे नंबर चेंज करवाने, तो यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि मुझे अपना फ़ोटो भी अपडेट करवाना पड़ेगा, तो वो भी करवा लिए हैं, 100 रुपये लगा है। और देख सकते हैं मुझे ऐसा पेपर भी मिल गया है, वो लोग बोले हैं कि 10-15 दिन के अंदर आपका आधार कार्ड अपडेट हो जाएगा, तो मुझे 10-15 दिन वेट करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, और अब मेरा नया फोटो आ जाएगा, पहले बचपन वाला था। घर आने के बाद थोड़ा देर तक आराम कर रहे थे और अब रात हो चुका है, तो वो तो गए फिलहाल मार्केट में,
अपना सेविंग कराने गए हैं, बाल उल कटवाने, और मेरा डाब भी आज नहीं पिए थे तो गए हैं, बोले हैं एक पैक करा के ही ला देंगे। तो फिलहाल चलिए हम चलते हैं किचन में और खाना बनाने का तैयारी करते हैं। उनको आने में तो अभी टाइम है, तब तक हम खाना बना लेते हैं अपना। तो अपना खाना बनाने का तैयारी कर लिए हैं और देख सकते हैं हम खाना बना भी रहे हैं। ये देखिए बैंगन आलू का सब्जी बना रहे हैं और यहाँ पे हम दाल चढ़ा दिए हैं, दाल भी हम बैठा दिए, एक तरफ दाल हो, एक तरफ सब्जी हो जाएगी। इनको देखिए भी आलू, और ये क्या कर रहा है, इनको देखिए लग रहे हैं, कमेंट करके बताइए कितना गंदा लग रहा है। पर पागल दाढ़ी छिला बहुत दिन हो गया था, बोल रहे कि ये क्या कर रहा है। आपको मना ना किए थे कि मत करवाइएगा, मन कर दिया, ठीक नहीं लग रहा है पागल। आप 1.5 किलो आम ले लिया, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसे लग रहे हैं, बहुत गंदे लग रहे हैं। तो चलिए हम अपना खाना बनाते हैं, और ये तो अपना फेस बिगाड़ के आ गए बाहर से, कितना सुंदर लग रहा है। हम देख सकते हैं सब्जी, और ये रहा हमारा दाल, यहाँ पे हम चावल भी बना लिए हैं। चलिए और चलते हैं बाहर, और आप लोगों को वीडियो में भी हम सुबह में बताए थे कि आज हम भोरा अंकल को कुछ तोहफा देने वाले हैं, वो तोहफा क्या है वो अब आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो हम आ चुके हैं अपने रूम से बाहर, और चलिए देखते हैं भोला अंकल क्या कर रहे हैं। शाम को यहाँ पे आ जाते हैं और सुबह में रहते हैं, दोपहर में तो नहीं रहते हैं, इसलिए दोपहर में तो हम वीडियो नहीं बनाए। चलिए देखते हैं, देखिए पेंटिंग कर रहे हैं अभी रात में। चलिए दोस्त भोला अंकल को हम तोहफा दे देते हैं। अंकल आपके लिए गिफ्ट है, मेरे सब्सक्राइबर कहाँ के, अमेरिका से हैं, क्या नाम है उनका, अमरीश पटेल, अमरीश भैया है एक अमेरिका से, वो भोला अंकल के लिए तोहफा भिजवाए हैं। और ये रहा, ये लिफाफा में है, ये लीजिए आपका है, वो भी ये वीडियो को देखते होंगे। कैसा लग रहा तोहफा पाके, खोलिए क्या है इसके अंदर, देखिए पहले क्या, खोलिए इसको, ये देखिए। आपको जो तोहफा दिए उनको क्या बोलना चाहेंगे, अमेरिका से आपके लिए आया है भाई, फोन को बढ़िया मत। कैसा लग रहा आपको तोहफा पाके अंकल, ठीक है, आपके मेहनत को देख के दिए हैं, ये आपके लिए है, ठीक। और अमरीश भैया, हम आपसे बताना चाहते हैं भोला अंकल आपको थैंक यू बोल रहे हैं, और जो आप दिए थे हम लोग को देने के लिए, देख लीजिए यही है 500 रुपए है, आप बोले थे देने के लिए, हम लोग दे दिए हैं। जो गिफ्ट आया था अमेरिका से वो तो हम उनको दे दिए, जो भैया दिए थे उनको देने के लिए, और हमारा खाना भी बन गया था। ये देखिए दाल चावल और मिर्ची का अचार है, हम लोग खाना तो खा लिए, और आज हम गए थे अपना आधार कार्ड में नंबर चेंज कराने, तो वहाँ पे मुझे पता चला कि फ़ोटो भी अपडेट कराना पड़ेगा, तो अपना फ़ोटो भी अपडेट करा दिए, 100 रुपये लगा, हो गया। और आज एक भैया ने हमको कुछ दिन पहले पैसा भेजे थे कि भोला अंकल को दे दीजिएगा, भोले अंकल के लिए नाम से आया था, और मुझे भी कुछ पैसे दिए थे फल उल खाने के लिए। वो जो भैया भोला अंकल के लिए पैसे दिए थे वो तो हम उनको दे दिए, और उम्मीद करते हैं भैया ये वीडियो को आप देखते होंगे, तो हम आपका जो गिफ्ट दिए थे उनके लिए वो हम दे चुके हैं उनको। और देख सकते हैं दोस्त हम अपना दूध लिए हैं पीने के लिए, तो जा रहे अपना दूध पिए, दवाई तो खा ली है खाना खा के। तो दोस्तों यही रही आज की वीडियो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।